नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल की अवधि तक क्या है बसंत की सच्चाई, इस पाठ पर प्रकाश डालते हुए बसंत की सच्चाई, उसने किस तरह बसंत की सच्चाई के बारे में बताया गया है और बसंत के साथ पंडित राजकिशोर के मानवीय गुणों को किस प्रकार प्रकट किया गया है आदि कई बातों पर हमने प्रकाश डाला। चलिए आज हम क्या है अभ्यास भाग की ओर आते हैं। अभ्यास भाग, इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास भाग है, अभ्यास भाग में पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपसे बताते जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, बसंत क्या क्या बेचता था? बिल्कुल सरल प्रश्न का सरल प्रश्न है। आपको मालूम है बसंत छलनी, बटन और दिया सलाई बेचता था, बोलकर लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बसंत के भाई का नाम क्या था? प्रश्न पूछते ही आपके दिमाग में उत्तर आया होगा, बसंत के भाई का नाम प्रताप था, है ना? तो चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर है, पंडित राजकिशोर लेक्चर देते थे, मजदूरों के नेता थे और गरीबों की मदद करते थे। चौथा प्रश्न है, छलनी का दाम क्या था? छलनी का दाम 2 आने था। प्रश्न संख्या 5, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप भीकू अहिर के घर में, अहिर टीले में, भीकू अहिर के घर में रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य है, इस प्रकार लिखना चाहिए। सातवां प्रश्न है, देखिए एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है, ऐसा आपको लिखना है। तो आठवां प्रश्न है, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? बसंत के घर पर पंडित राजकिशोर का नौकर, जिसका नाम है अमर सिंह, वह क्या करता है? डॉक्टर को ले आता है। तो नौवां प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? यानी अद्भुत गुण, दुर्लभ यानी अद्भुत, दुर्बल नहीं, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, दुर्लभ है यहां पर, दुर्लभ, दुर्लभ यानी अद्भुत गुण। बसंत के अंदर निहित अद्भुत गुण है वह ईमानदार या ईमानदारी, ऐसा लिखना है। तो दसवां प्रश्न है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? तो पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे, ऐसा आपको एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है, एक एक प्रश्न का उत्तर क्या है लिखना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं मुख्य प्रश्न 2। मुख्य प्रश्न 2, तो मुख्य प्रश्न 2 में कितने प्रश्न हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
मुख्य प्रश्न दो क्या है, क्या कहता है, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, ऐसा है। तो दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, ये जो मुख्य प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न क्या है, हम छलनी से क्या क्या कर सकते हैं, हम छलनी से क्या क्या कर सकते हैं, हम छलनी से दूध छान सकते हैं, चाय छान सकते हैं, बोलकर लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है, बसंत राज किशोर से क्या विनंती करता है, बसंत राज किशोर से क्या लेने के लिए विनंती करता है, बसंत राज किशोर से कहता है कि सवेरे से अभी तक कुछ नहीं बिका और उनसे एक छलनी लेने की विनंती करता है। बसंत राज किशोर से विनंती करता है कि सवेरे से कुछ नहीं बिका है, आप एक छलनी ले लीजिए, बोलकर क्या है, विनंती करता है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, बसंत राज किशोर से दो पैसे लेने से क्यों इनकार करता है, जब राज किशोर उसे दो पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वह लेने से क्यों इनकार करता है, बसंत राज किशोर से दो पैसे लेने की इनकार करता है क्योंकि वह भीख समझता है, वह भीख लेना नहीं चाहता, क्योंकि बसंत ईमानदार लड़का है, परिसर की कमाई से अपना पेट भरना चाहता है, इसलिए राज किशोर द्वारा दिए गए दो पैसे लेने से वह इनकार करता है क्योंकि उसे भीख समझता है। तो चौथा प्रश्न है, बसंत राज किशोर के पास क्यों नहीं लौटा, बसंत जब नोट के छुट्टे करवाकर वापस लौट रहा था तो वह मोटर के नीचे आ गया, मोटर के उसके ऊपर से निकल गई, उसकी दोनों टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई, इसलिए वह वापस लौट नहीं पाया, यानी बसंत राज किशोर के पास क्यों नहीं लौट पाया, जब वह एक रुपए का नोट लेकर बाजार में छुट्टी लेना जाता है, वापस आते समय उसे एक्सीडेंट होता है, मोटर उसके ऊपर से चली जाती है, उसके दोनों टांगे कुचले जाते हैं, इस कारण से क्या है, बसंत क्या है, राज किशोर के पास नहीं लौटा, बोलकर लिखना चाहिए। प्रताप राज किशोर के घर क्यों आया, प्रताप राज किशोर के घर क्यों आया, प्रताप उसके भाई बसंत के कहने पर राज किशोर जी के 14:30 आने वापस लौटाने आया, यानी प्रताप क्या करता है, बसंत के कहने पर यानी उसके बड़े भाई के कहने पर राज किशोर के 14:30 आने लौटाने पंडित राज किशोर के घर आया, ऐसा आपको लिखना है। तो चलिए छठा प्रश्न क्या है, बसंत ने राज किशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया, यानी बसंत राज किशोर को छलनी खरीदने के लिए किस प्रकार प्रेरित करता है, जब राज किशोर छलनी खरीदने के बजाय बसंत को दो पैसे देता है तब बसंत कहता है कि यह तो भीख है और वह भीख नहीं लेगा, बसंत की इस बात ने राज किशोर को छलनी खरीदने के लिए प्रेरित किया, जब बसंत उसे दो पैसे देते हैं तो बसंत वो दो पैसे मुफ्त लेने के बजाय उसे भीख मानता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो ईमानदार है, परिश्रम की कमाई से जीने वाला है, इसलिए वह दो पैसे लेने से इनकार करता है। इस बात से प्रभावित होकर क्या है, पंडित राज किशोर उसके पास से छलनी लेने के लिए प्रेरित हो जाते, तैयार हो जाते हैं। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा, एक पैर तो ठीक है पर दूसरा पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा, बसंत को अभी अस्पताल ले जाना होगा। इस प्रकार दो तीन वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर आते हैं, ये 7 प्रश्नों के उत्तर हो गए। आप किताबें निकालिए, किताब ठीक से पढ़िए, पाठ को ठीक से समझिए, तब क्या है, हर एक के प्रश्न का उत्तर आप खुद व खुद आप लिख सकेंगे, उतने बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो चलिए 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, तीसरा प्रश्न है, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, इसके अंदर 3 प्रश्न है, 1, ये 2, ये 3, 3 बड़े प्रश्न है, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है, बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे, बसंत आप प्रमाणिक हुड़गनिद्दाने, हेंगा हेळ्रि अंत हेळि प्रश्न माडरि।
बसंत 12 वर्ष का एक गरीब लड़का था, वह एक नगर के बाजार में नंगे पैर फटे कपड़े पहने छलनी बटन दिया सलाई आदि सामान बेचकर अपना और अपने भाई का जीवन निर्वाह करता था, है ना। एक दिन उसका सामान बिक नहीं पाया तो उसने राजकिशोर से छलनी लेने का आग्रह किया। राजकिशोर ने कहा, छलनी ली, राजकिशोर ने एक छलनी ली और उसे 1 रुपए का नोट दिया। बसंत के पास छुट्टे न होने के कारण वह छुट्टे लाने के लिए बाजार जाता है। वापस लौटते वक्त वह एक मोटर के नीचे आकर घायल हो जाता है। राजकिशोर भी 15-20 मिनट उसका इंतजार करते हैं, फिर निराश होकर घर चले जाते हैं। शाम को घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के पैसे लौटाने के लिए उसे किशनगंज भेजता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बसंत ईमानदार लड़का है, यानी बसंत ईमानदारी से जीने वाला, मेहनत मजदूरी करके जीने वाला एक शरणार्थी लड़का है। और वह एक दिन क्या है, पंडित राजकिशोर को छलनी लेने की कहता है, प्रेरित करता है। पंडित राजकिशोर उसकी ईमानदारी पर विश्वास करके क्या है, उसके प्रामाणिकता पर विश्वास करके क्या है, छलनी लेते हैं। उनके पास चिल्लर नहीं थे, 1 रुपए का नोट देते हैं। तो बसंत क्या है, 1 रुपए के छुट्टे लाने बाजार जाता है। बाजार से छुट्टे लेकर आते वक्त क्या है, उसे एक्सीडेंट होता है, वो मोटर के नीचे आता है, वह उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, वह चल नहीं सकता था, उसका सामान चारों ओर बिखर जाता है। इधर पंडित राजकिशोर 10-15 मिनट इंतजार करके वह अपने घर चले जाते हैं। जब बाद में उसका भाई प्रताप उसे लेकर घर आता है, आने के बाद जब उसे बसंत को होश आता है, आने के बाद पंडित राजकिशोर के 14.5 आने वापस लौटाने के लिए किशनगंज को क्या है, प्रताप पंडित राजकिशोर के घर भेजता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह खुद घायल है, जान से लड़ रहा है, परेशान है, फिर भी वह ईमानदारी से 14.5 आने लौटाने अपने भाई को बसंत क्या करता है, पंडित राजकिशोर के घर भेजता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि बसंत एक ईमानदार लड़का है, ऐसा आपको लिखना है। बसंत और प्रताप आहिर के घर में क्यों रहते थे, बसंत मत प्रताप अहिर न मनेली या कीर्ति ध्रुव, बोल के प्रश्न है 4-6 वाक्यों में। बसंत और प्रताप बहुत गरीब थे, उनके पास न पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और न ही 2 वक्त का खाना। दंगों में उनके माता पिता मारे गए थे, दोनों अनाथ थे। बसंत बटन छलनी दिया सला आदि सामान बाजार में बेचकर अपना और अपने भाई का गुजारा करता था। इन्हीं सब के कारण बसंत और प्रताप आहिर के घर में रहते थे, यानी बसंत और प्रताप दोनों बहुत गरीब थे, उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, ना 2 वक्त का उन्हें खाना नहीं था। दंगों के दिनों में उनके माँ बाप मारे गए थे, वो दोनों अनाथ थे। अपना गुजारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या, मेहनत मजदूरी करने के लिए गांव से वह शहर आ गए थे। शहर आकर बसंत क्या है, छलनी दिया सलाई वगैरह वगैरह चीजें बेचकर अपने भाई का और अपना पेट भरता था। इसलिए रहने के लिए उन्हें एक जगह थी, इसलिए क्या बसंत और प्रताप क्या है, अहिर के घर में शरण ली थी, रहते थे। राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। राजकिशोर के अंदर एक मानवता के गुण है, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ರಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಅವು ಎಂಥ ಗುಣಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರ್ರಿ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಮಜ್ದೂರಂಕೆ ನೇತಾ ಥೇ, ವೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇತೆ ಥೇ ಔರ್ ಮಜ್ದೂರಂಕಿ ಬಸ್ತಿ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಉನ್ಕಿ ಮದದ್ ಕರ್ತೆ ಥೇ. ಗರೀಬ್ ಬಸಂತ್ ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಪರ್ ಜರೂರತ್ ನಾ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭಿ ಛಲ್ನಿ ಲೇನೆ ಲೇನೆ ಕೋ ತಯಾರ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕೆ ಮೂಹ ಸೆ ಜಬ್ ಉನ್ಹೇ ಬಸಂತ್ ಕೆ ದುರ್ಘಟನಾಗ್ರಸ್ತ ಹೋನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾ ಪತಾ ಚಲ್ತಾ ಹೈ, ತಬ್ ವೇ ತುರಂತ ಉಸ್ಕೆ ಘರ್ ಪಹುಂಚ ಜಾತೆ ಹೈ. उसके इलाज के हेतु डॉक्टर व एम्बुलेंस बुलाते हैं। इस तरह हमें राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय मिलता है, यानी पंडित राजकिशोर लेक्चर देते थे, गरीबों के नेता थे, गरीबों की मदद करने के लिए वह तुरंत निकल पड़ते थे, उन्हें छलनी की आवश्यकता न होने पर भी
वह बसंत से एक छलनी लेकर क्या है, उसे पैसे देकर उसकी मदद करते हैं। जब वह बसंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, घायल हो गया है, इस बात का पता उसके भाई प्रताप के द्वारा जब पंडित राजकिशोर को मालूम होता है, वह तुरंत बसंत की मदद के लिए उसके घर दौड़ते हुए आते हैं, आकर उसका हालचाल पूछते हैं, एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, डॉक्टर को बुला करके है उसे इलाज करवाते हैं। इस सारे बातों से पता चलता है कि पंडित राजकिशोर के अंदर एक मानवता के गुण है, मानवीय गुण है बोलकर क्या है पता चलता है, बोलकर लिखना चाहिए। इस तरह क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, जो सात प्रश्न है एक वाक्य के, 10 प्रश्नों के उत्तर हमने मौखिक रूप से आपसे बताया, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए मुख्य प्रश्न दो के, 7 प्रश्नों के मौखिक रूप से आपको उत्तर लिख बताया, तीसरे मुख्य प्रश्न के 3-4-6 वाक्यों में प्रश्न है, ये 4 अंकों के है, इनका भी उत्तर हमने मौखिक रूप से बताया है, और इसका जो इन प्रश्नों का लिखित उत्तर भी क्या है ऑनलाइन पे व्हाट्सएप के द्वारा हम आपके मोबाइल पर क्या है देते हैं। तब तक के लिए आप क्या ठीक से किताब पढ़िए, खुद क्या है प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, किताब ठीक से पढ़िए, अर्थ ग्रहण कीजिए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और लिखिए। एक बार लिखना 100 बार पढ़ना ये बराबर होता है, और लिखते जाइए तो आपको क्या है हर एक प्रश्न का उत्तर उस किताब के अंदर मिल जाएंगे। तो आप चलिए अब क्या है हम क्या है मुख्य प्रश्न चार की ओर आते हैं। मुख्य प्रश्न चार क्या कहता है देखिए, मुख्य प्रश्न 4 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅನುರೂಪತಾ ಕಿ ಕಿತನೆ ಹೇ 1, 2, 3, 4, 5 ತೋ ಯಾ 5 ಹೇ ಅನುರೂಪತಾ ಮೇ ಆಪ್ ಅಪನೆ ಕಿತಾಬ್ ಮೇ ಭಿ ಲಿಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಜಗ ದಿಯ ಹೇ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಹಾ ರಹತೆ ತೆ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಮೇ ತೋ ಬಸಂತ್ ಕಹಾ ರಹತಾ ತಾ ಅಹಿರ್ ಟೀಲೆ ಮೇ अहिर टीला लिखना चाहिए। अगर पंडित राजकिशोर किशनगंज की जगह नीले पर्दे वाला मकान बलकर आ गया तो बसंत के बारे में पूछा गया तो वह भीकू अहिर का घर लिखना चाहिए, लेकिन यहां किस प्रदेश का नाम है किशनगंज कॉलोनी में और वह अहिर टीला ये प्रदेश में बताया गया है, तो इसका उत्तर यह हो गया अहिर टीला यानी प्रदेश प्रदेश। तो दूसरा क्या है देखिए, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, पंडित राजकिशोर क्या है मजदूरों के नेता है, तो बसंत क्या है एक गरीब शरणार्थी लड़का, ऐसा लिखना है आपको। तो पंडित राजकिशोर मालिक है, अमर सिंह क्या है उनका नौकर या सेवक भी कह सकते हैं। प्रताप क्या है छोटा भाई है, बसंत का छोटा भाई। वर्मा क्या है वो डॉक्टर है। इस तरह आपको लिखना है। पांचवा क्या है एक प्रश्नार्थक चिन्ह है, ये जो है ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो यहां पर जो सामने बताया गया ये किसका चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखना चाहिए। इस तरह ये अनुरूपता हो गया, आप लिखते जाइए, किताब में जगह दिया गया है, बहुत ही जगह है, हर एक पांचवा, अब चौथा हो गया। अब इधर आते हैं, अब यह है पांचवा मुख्य प्रश्न क्या निर्देश देता है हमें, क्या कहता है देखिए,
पांचवा मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न पांच क्या कहता है, देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, बिट्ट स्थल तुम मेरी बोल के। तो इसमें कितने हैं, कितने प्रश्न है, एक दो तीन चार, ये पांच है। तो चलिए ये पांच है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है। मैं अभी बाजार से टिमटिम लाता हूं, टिमटिम यानी डैश डैश, टिमटिम कोई वस्तु का नाम, डैश डैश जिसे कहते हैं उसे टिमटिम कहते हैं। तो मैं अभी बाजार से टिमटिम लाता हूं यानी भुना लाता हूं, भुना भुना यानी चिल्लर करके लाता हूं। तो मैं दूसरा है, मैं आपके डैश डैश आने लाया हूं, डैश डैश यानी साढ़े चौदह आने, साढ़े चौदह आने, इस तरह आपको लिखना है, साढ़े चौदह आने, थोड़ा नीचे नीचे लिखूंगा। तो तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, हम दोनों डैश के घर में रहते हैं, हम दोनों यानी कौन, बसंत और प्रताप, भीकू अहीर, भीकू अहीर के घर में, इस तरह लिखना चाहिए। तो चौथा क्या है देखिए, मैं डैश के लिए फोन कराता हूं, मैं डैश के लिए यानी एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूं। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है, डैश यानी ईमानदार है, ईमानदार है, ऐसा आपको लिखना है। ये मुख्य प्रश्न क्या है, पांच हो गया। अब इधर आते हैं, छठा मुख्य प्रश्न क्या कहता है, आरने मुख्य प्रश्न नमगे ಏನೆ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಾಕ್ಯಂಕ ನಿರ್ದೇಶ ಅನುಸಾರ ಲಿಖಿಯೇ, ನೀಚೆ ತೀನ್ ವಾಕ್ಯ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕೋಷ್ಟಕ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ, जो निर्देश दिया है उसी के अनुसार लिखना है। अंदर ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಏಕ್ ಛಲ್ನಿಮೆ ತುಮೇ ಕ್ಯಾ ಬಚೇಗಾ, ಏಕ್ ಛಲ್ನಿಮೆ ತುಮೇ ಕ್ಯಾ ಬಚೇಗಾ, ಇಸೆ ಆಪ್ಕೋ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮೇ ಲಿಖನಾ ಹೈ, ಯಾನಿ ಯೇ ವಾಕ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಕಾ ಹೈ, ಏಕ್ ಛಲ್ನಿಮೆ ತುಮೇ ಕ್ಯಾ ಬಚೇಗಾ, इसे वर्तमान काल में लिखना है। तो चलिए इसे आपको वर्तमान काल में लिखना है, ऐसा लिखना चाहिए, एक छलनी में तुम्हें क्या बचता है, बचता है, प्रश्नार्थक चिन्ह, एक छलनी में तुम्हें क्या बचता है, ऐसा आपको लिखना है। तो दूसरा वाक्य क्या है, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं, ये वर्तमान काल है वाक्य, इसे भूतकाल में करने के लिए कहा गया है, ये वर्तमान काल एरने वाक्यवनु भूतकाल में दल बरी अंत हेतार, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮೈ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಹುನಾ ಲಾಯಾ ಥಾ, ಮೈ ಬಾಜಾರ್ ಸೆ ಭುನಾ ಲಾಯಾ ಥಾ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿದು, ಭೂತಕಾಲ ಮೇ ಹೋಗಯಾ। ತೋ ತೀಸರಾ ವಾಕ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮೇ ಲಿಖನಾ ಹೈ, एक दूसरे व्यक्ति से
पूछता है, ये वर्तमान काल में है, इसे भविष्य काल में लिखना है आपको। तो चलिए उसका उत्तर है एक, दूसरे व्यक्ति से पूछेगा, पूछेगा, एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा, ऐसा लिखना है आपको। इस तरह छठा मुख्य प्रश्न हो गया, ये छठा मुख्य प्रश्न हो गया। इधर का जो है रिक्त स्थान चौथा है, ये अनुरूपता। तो चलिए अब क्या है, इसे निकाल देता हूं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न सात। मुख्य प्रश्न सात के कितने हैं, छह है, एक दो तीन चार पांच छह, छह है। विलोमार्थक शब्द लिखिए, विलोमार्थक शब्द लिखिए, अंदर विरुद्धार्थक पदगळन्नु बरेयिरि अंत। विरुद्धार्थक पदगळु बरेयिरि अंदर पहला क्या है, पीछे, तो उसका आगे है। दूसरा क्या है, खरीदना, उसका मतलब होता है बेचना। तीसरा क्या है, लेना, मतलब देना। चौथा क्या है, आना, उसका अर्थ होता है जाना। पांचवा क्या है, शांति यानी अशांति। सातवां क्या है, छठा गरीब यानी अमीर। इस तरह लिखते जाइए। ये सातवां हो गया, यानी पीछे यानी आगे, खरीदना यानी बेचना, लेना यानी देना, आना यानी जाना, शांति यानी अशांति, गरीब यानी अमीर, ये सातवां हो गया। अब हम आते हैं आठवां मुख्य प्रश्न आठ। ये हमें क्या सलाह दे रहा है, क्या निर्देश दे रहा है, देखिए क्या कहता है। देखिए मुख्य प्रश्न आठ क्या कहता है, एक दो तीन चार पांच छह है, छह है। ये क्या कहता है, देखिए कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ अथवा इंग्लिश नल्ली अनुवाद माड्रि अंत। तो चलिए कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए बोलने के बाद हम एक एक लिखेंगे। तो पहला देखिए, पहला क्या है, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है, यानी उसकी यानी आतना, आतना वयसु 12 वर्ष इधे, ऐसा लिखना है। दूसरा क्या है, देखिए सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, दूसरा मुंजाने इंदा, मुंजाने इंदा इल्लिया वरेगे,
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಐಸಾ ಲಿಖನಾ ಹೇ ದೂಸರಾ ತೋ ಅಬ್ ಮೈ ಇದರ್ ಕಾ ನಿಕಾಲ್ ದೇತಾ ಹೂ ಅಬ್ ಆತೆ ಹೇ ತೀಸರಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ तीसरा देखिए मैं भीख नहीं लूंगा नानु भिक्षे स्वीकारी सु वो दिला नानु भिक्षे स्वीकारी सो दिला ऐसा लिखना है आपको। तो चौथा क्या है देखिए, चौथा देखिए बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले आया, बहाड़ा कष्टपट्टो कष्टपट्टो बसंतनिगे ಸಂತ ನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ದೆ ಮನೆಗೆ ತಂದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತಂದೆ ಹೆಸರಿಕನಾ ತೋ ಪಾಂಚವಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ ದೇಖಿಯೆ ಬಸಂತ ಹೋಂಟ भींच कर आहा खींचता है, यानी अंदर ऐदने दिन पांद्र बसंत तुट्टियन्नु ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಉಸಿರೇ ಎಳೆ ಯು ತಾನೆ इस तरह ये पांचवा हो गया। अब आते हैं छठा, आरने दी मुख्य प्रश्न एटने दल आरने कन्नड में अनुवाद कीजिए दगा आरने दो नोड़ आरने दे नोड़ ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ಇವನು ಬಡವನಿದ್ದಾನೆ 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 ಆದರೆ ಕಾಮ ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗುಣವಿದೆ, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗುಣವಿದೆ, ತರ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅನುವಾದ ಕೀಜಿಯೇ ಹೋಗಯಾ, ಕನ್ನಡ ಮೇ अनुवाद कीजिए हो गया। ये आठवां हो गया। नौवां क्या कहता है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क के लिए
विष्णु प्रभाकर करके अन्य कहानियों की सूची बनाइए और किसी एक का एकांकी का सार संक्षेप में लिखिए। यानी ये आपके लिए बताया गया है, ये होमवर्क है, घर बैठे करना है आपको। विष्णु प्रभाकर के अन्य ऐसे ही बहुत सारी एकांकी है, उन एकांकियों की एक लिस्ट बनाना है आपको और उसी एक एकांकी किसी एक एकांकी का आपको कहानी के रूप में उसका सार लिखना है। अगर विष्णु प्रभाकर और एकांकी ओद्री ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಓದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯ ಸಾರವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ನಾನು ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ, ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಇದು ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಕಾಲ್ ದೇತಾವ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಜಬ್ ಮೈ ಏಕ ತರಫ್ ಲಿಖತೆ ಜಾತಾ ಹೂ ತೋ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಮಯ ವ್ಯಯ ನಾ ಕರ್ತೇವೆ, ಸಮಯ ಬರ್ಬಾದ ನಾ ಕರ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾ ತುರಂತ ಹೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಆಪ್ ಲಿಖತೆ ಜಾನಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ. ತೋ ಚಲಿಯೇ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ. ತೋ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪರ್, ತೋ लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए और उनके अन्य लिंग शब्द लिखिए. लिंग पहचानिए या ये शब्द क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि हिंदी में दो ही लिंग है, दूसरे भाषाओं में तीन लिंग है लेकिन हिंदी में दो ही लिंग है. लिंग यानी क्या, शब्द के जाति को लिंग कहते हैं. लिंग अंदर एन रही, शिवलिंग महालिंग नवलिंग ये लिंग नहीं है. हमारे भाषा के अंदर एक दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. कन्नड़ में तीन लिंग है, नपुंसकलिंग बोलकर यावदो कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು ಅವರಿ. ಜೀವ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ರೋಕೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನವ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಮಾರೇ ಹಿಂದಿಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೇ ಐಸಾ ನಹೀ ಹೈ. ಜೋ ಮಾದಾ ಹೈ ವೋ ಸಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹೈ, ಜೋ ನರ್ ಹೈ ವೋ ಸಾರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹೈ, ಜೋ ಪುರುಷ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೈ ವೋ ಸಾರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹೈ. ಜೋ ಜೀವಿತ ಪ್ರಾಣಿ ಹೈ, ಜೋ ಜೀವಿತ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೋ ಭೀ ಹೈ, ಜೋ ಜೀವಿತ ಹೈ वो सारे में जो पुरुष जाति के संबंधित है वो सारे पुल्लिंग है, स्त्री जाति से जो संबंधित शब्द है वो स्त्रीलिंग है. जैसा कि राम ये पुरुष जाति से संबंधित है इसलिए इसे पुल्लिंग कहते हैं, सीता स्त्री जाति का नाम है इसलिए इसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसा मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है, या इस तरह वो शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है. लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ वस्तुओं के नाम भी दिए गए हैं लेकिन वस्तुओं के नाम कैसे पहचाने ये मुश्किल की बात है आपके लिए, क्योंकि कन्नड़ में वस्तुओं के जो निर्जु वस्तु है वो सारे नपुंसकलिंग में रख सकते हैं. लेकिन हमारे मुख्य सामने मुख्य प्रश्न यह है कि जो वस्तुओं के नाम है उसे हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कैसे समझना चाहिए, वो नर है या मादा कैसे समझना चाहिए, उसके लिए व्याकरणकारों ने कुछ नियम बनाए गए. जैसे कि अ या आ से अंत होने वाले सारे के सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग माने जाते हैं. अकारांत आकारांत जो वस्तु के नाम आते हैं, जैसा घर अ से अंत होता है, समंदर अ से अंत होता है, पेड़ अ से अंत होता है, ये सारे पुल्लिंग शब्द है. जैसा कि दही घी खुर्ची मिर्ची है ना, ये सारे क्या है ई से अंत होते हैं, इसलिए क्या है इन्हें स्त्रीलिंग के अंदर रखा गया निर्जीव होते हुए. इसी प्रकार क्या है, यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है देखिए. तो भाषा ज्ञान में पहला क्या है वो तो मैंने बताया, तो चलिए पुल्लिंग एक तरफ क्या है, स्त्रीलिंग. तो चलिए लड़का जैसा उदाहरण दिया गया है, उदाहरण है लड़का लड़की,
है ना, बच्चा इधर क्या है, बच्ची है, अगर इधर बच्ची है तो ये हो गया बच्चा, है ना। तो दूसरा क्या है, देखिए हो गया ये, दूसरा हो गया उदाहरण के बाद। तीसरा क्या है देखिए, दुबला, दुबला इधर किताब में दिया गया है दुबली, दुबला अंदर छलगा, दुबली अंदर छलग रोड़ो। चौथा है देखिए, यहां पर क्या है उसके सामने, पतला पतली, पतला इधर पतली शब्द दिए गए हैं। पांचवा क्या है, थैला, थैला निर्जीव है फिर भी आ से अंत होता है ना, ये क्या है पुल्लिंग है, उसका अन्य लिंग रूप होता है थैली, ई से अंत होती है ये थैली, ई से अंत होती है। उसी प्रकार छठा देखिए, साहेब, साहेब यानी साहब रे अंदंग, साबुन हिणती मेड़ा मनते बोला, तो उसी प्रकार साहेब, साहेब का अन्य लिंग रूप है सा, साहिबा, मेमसा बोले जैसा। सातवा क्या है, भाई, भाई जो जीवित है उसका अन्य लिंग रूप है बहन। आठवा बाप, उसका अन्य लिंग रूप है माँ, माँ बाप बोले ऐसा। नौवा है डॉक्टर, डॉक्टर अगर लेडीज डॉक्टर हो, लेडी डॉक्टर का ही कहते हैं, लेकिन डॉक्टरिन ऐसा आपको लिखना है। दसवा पंडित यानी विद्वान, पंडित की पत्नी है तो पंडितायन, पंडितायन यानी विद्वान की पत्नी पंडितायन। इस तरह आपको लिखना है। ये भाषा ज्ञान में पहला हो गया। अब दूसरा क्या है देखिए, दूसरा क्या कहता है भाषा ज्ञान मोदलने दे रही, तू पुल्लिंग इतना स्त्रीलिंग माड़ी, स्त्रीलिंग इतना पुल्लिंग माड़ी, ठीक है, बच्चा बच्ची इधर बच्चा मार दे, दुबला इधर दुबली मार दे, पतला इधर पतली मार दे, थैला इधर थैली मार दे, साहेब इधर साहेबा, भाई इधर बहन, बाप अंदर माँ, डॉक्टर अंदर डॉक्टरिन, पंडित अंदर पंडितायन, ये रीति इधो आयत्री भाषा ज्ञान दाग। यहाँ पर क्या है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए और उस शब्द का अन्य वचन रूप लिखिए। उदाहरण के लिए अंदर केळगे ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು 10-12 ವಾಕ್ಯಗಳು, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಕೆಳಗೆ ರೇಖೆ ಹೇಳದರಿ, ಆ ರೇಖೆ ಹೇಳದ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳರಿ, ಅಲ್ಲ ವಚನ ಪಹಚಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಹುವಚನ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೆ ಏಕವಚನ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೇ ದೇಖಿ, ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಪರ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಬಡಾ ಅಸರ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯಾನಿ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೋ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ಬಡಾ ಅಸರ್ ಹೋತಾ, ಯಾನಿ ಬಾತ್ ये एक वचन है तो उसका बहुवचन में क्या लिखा है, बातें। उसी प्रकार हमें लिखना है, एक उदाहरण तो हो गया। फिर वे जेब टटोलते हैं, जेब तो जेब के बदले हमें क्या लिखना है, जेबे। दूसरा है क्या है, अंदर से आवाज आती है, आवाज यानी आवाजे। तीसरा क्या है, एक लड़के की टांग मोटर के नीचे कुचली गई, टांग टांगे है, एक एक लड़के की टांगे, टांगे क्या है बहुवचन है, तो अपनों अपने को एक वचन लिखना है तो टांग लिखना चाहिए। चौथा क्या है,
बसंत आंखें बंद कर लेता है, आंखें बहुवचन है तो आंख लिखना चाहिए, है ना, बिल्कुल सरल है, समझने के बाद आराम से लिख सकते हैं। तो लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं, घर एक वचन में भी घर होता है, बहुवचन में भी घर ही कहते हैं। तो छठा क्या है, लोग घर की ओर लौट रहे हैं, लोग एक वचन में भी लोग ही कहते हैं, बहुवचन में भी लोग ही होता है। तो इसके क्यों नियम है, तो चलिए दूसरा भाषा ज्ञान में दूसरे में और चार पांच है वो मैं आपको बता दूंगा। इधर आता हूं, छह हो गया दूसरे में सात। मजदूरों की बस्ती में राजकिशोर का मकान है। मकान यानी घर, मकान यानी उसका बहुवचन, एक वचन है उसका बहुवचन, देखिए मकान को मकान ही कहते हैं। तो चलिए बस आठवां देखिए, बसंत के दोनों पैर कुचले गए, पैर एक वचन में भी पैर, बहुवचन में भी पैर। नौवां क्या है, उसका कपड़ा फटा है, कपड़ा एक वचन में कपड़ा है, बहुवचन में कपड़े। दसवां हो गया ना मेरे पे, हाँ ये नौवां कपड़ा नहीं, नौवां है, चलिए मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे बहुवचन है, उसके लिए हमें पैसा लिखना है। उसी प्रकार दसवां क्या है, कपड़ा है तो कपड़े। तो ग्यारहवां क्या है, राजकिशोर खिड़की से झांकते हैं, खिड़की एक वचन है, बहुवचन में खिड़कियां, खिड़कियां लिखना है। तो बारहवां देखिए, बसंत के पैर की हड्डी टूट गई है, हड्डी ये क्वेश्चन है, बहुवचन में हड्डियां। हड्डियां लिखना चाहिए। इस प्रकार दूसरा भाषा ग्रहण में दूसरा हो गया, यहां तक हो गया है। तो आपको घर एक क्वेश्चन में भी घर, बहुवचन में भी घर, है ना, पैर एक वचन में भी पैर, बहुवचन में पैर, ऐसा क्यों बोलकर आपके सामने एक प्रश्न आता होगा। इसका क्या कुछ पुल्लिंग अकारांत शब्द क्या है, एक वचन में भी एक ही आते हैं, बहुवचन में भी एक ही आते हैं। पिता एक वचन में पिता, बहुवचन में भी पिताएं नहीं आता, पिताच आता है। इसी प्रकार के कुछ नियम है इस व्याकरण के, जब उसके एक वचन और बहुवचन बताते समय और लिंग के बारे में भी बताते समय, व्याकरण के बारे में, व्याकरण पर प्रकाश डालते समय इसके बारे में हम आपको ठीक ठीक से क्या है समझाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्ते।